नमस्कार दोस्तों, PKR एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुड्स स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं। कोचिंग स्टॉक के बारे में आपको बता दिया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया गया है। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलते हैं आज गुड्स स्टॉक का BPC के बारे में जानते हैं। तो पहला है गुड्स का जो BPC होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है, दूसरा इन टू एंड होता है। क्या होता है, क्लोज सर्किट और एंड टू एंड होता है। अब क्लोज सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट का जो होता है ना पाथ फिक्स होता है। क्लोज सर्किट का पाथ क्या होता है, फिक्स होता है। देखो कह रहा है यहाँ क्लोज सर्किट के तहत BPC का निर्माण किसी खास चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है जिसका रूट क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे सपोज कीजिए कि इसका क्लोज सर्किट जो होता है, क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ कि बंद है। मान लीजिए ये क्लोज सर्किट बंद है, क्या क्या कोई ट्रेन जो है यहाँ से कोयला उठाया, फिर उस कोयले को यहाँ अनलोडिंग किया, फिर यहाँ से डोलोमाइट उठा के फिर चले आया यहाँ, फिर यहाँ डोलोमाइट का क्या किया, अनलोडिंग किया, यहाँ से कोयला उठाया यहाँ चले आया, इसके बाद यहाँ से फिर डोलोमाइट उठा के यहाँ चले आया, यहाँ अनलोडिंग कर दिया, फिर यहाँ से कुछ उठाया, कुछ भी उठा लिया, फिर यहाँ से हो सकता है कोयला उठा ले, कोयला के यहाँ चले आया, फिर यहाँ से चूना पत्थर उठा के यहाँ चले आया। यानी ये जो फिक्स पाथ पे घूमते रहता है इसी को क्या बोला जाता है, क्लोज सर्किट। मतलब यहाँ से सामान उठाया यहाँ चले आया, फिर यहाँ से सामान उठाया फिर यहाँ चले आया, तो इसी को बोला जाता है क्लोज सर्किट। ठीक है, जब पूरे एक चक्र लगा लेगा तो उसका क्लोज सर्किट पूरा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि क्लोज सर्किट के तहत BPC का निर्माण किसी खास चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है जिसका रूट क्या होता है, फिक्स होता है। चलिए देखते हैं क्लोज सर्किट के तहत कितने प्रकार का BPC तैयार किया जाता है। क्लोज सर्किट के तहत तीन प्रकार का BPC तैयार किया जाता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का तैयार किया जाता है। कौन कौन तैयार किया जाता है, ये देखिए यहाँ CC जो है इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज सर्किट। CC का मतलब क्या हुआ, क्लोज सर्किट हुआ। ठीक है, तो कह रहा है क्लोज सर्किट के तहत तीन प्रकार का BPC तैयार किया जाता है। पहला क्या, कन्वेंशनल CC। कन्वेंशनल CC जो होता है उसका क्या होता है, BPC का वैलिडिटी या तो 45 किलोमीटर या 20 डेज, जो भी पहले पूरा होगा BPC की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगा। कन्वेंशनल CC का वैलिडिटी क्या होता है, 4500 किलोमीटर या 20 दिन। इसके बाद आता है प्रीमियम CC। प्रीमियम CC का वैलिडिटी कितना होता है, 6000 किलोमीटर या 30 डेज। ठीक है, और प्रीमियम CC किसके लिए तैयार किया जाता है, ये कंटेनर वागन के लिए तैयार किया जाता है। किसके लिए तैयार किया जाता है, कंटेनर वागन के लिए तैयार किया जाता है। तीसरा आ गया प्रीमियम CC। प्रीमियम CC का वैलिडिटी कितना होता है, 7500 किलोमीटर या 35 दिन। कितना होता है, 7500 किलोमीटर या 35 दिन प्रीमियम CC का। और ये प्रीमियम CC जो BPC तैयार किया जाता है किसके लिए किया जाता है, BCN HL और BTPN वागन के लिए। ठीक है, BCN HL में क्या होता है कि BCN जो होता है, BCN तो हो गया, HL मतलब हाई LCA लेवल। ठीक है, तो BCN इसमें BCN HL में क्या होता है, ट्विन पाइप होता है, यानी दो पाइप होता है, और जो सिंपल BCN होता है उसमें सिंगल पाइप होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है यहाँ, कह रहा है कि कन्वेंशनल CC इसका जो BPC की वैलिडिटी होता है कितना होता है, 4500 किलोमीटर या 20 डेज, जो CC यानी क्लोज सर्किट के तहत तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रीमियम CC जो होता है उसका क्या होता है, 6000 किलोमीटर या 30 डेज। प्रीमियम CC किसके लिए तैयार किया जाता है, कंटेनर वागन के लिए तैयार किया जाता है। फिर प्रीमियम CC है, एक प्रीमियम CC है जिसका कि 6000 किलोमीटर या 30 डेज, और दूसरा प्रीमियम CC क्या है, 7500 किलोमीटर या 35 डेज। ठीक है, और प्रीमियम CC जिसका वैलिडिटी 7500 किलोमीटर और 35 डेज होता है वो किसके लिए तैयार किया जाता है, BCN HL और BTPN के लिए। BTPN किसको बोला जाता है, तेल का जो टंकर होता है उसको BTPN बोला जाता है। ठीक है, BTPN का जो BPC तैयार होता है, NF रेलवे में कहाँ से तैयार होता है, NJP में तैयार होता है। NFR में, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में, BTPN का BPC कहाँ तैयार होता है, NJP में तैयार होता है। इसी तरह अलग अलग रेल में अलग अलग जगह तैयार होता होगा। ठीक है, लेकिन NFR में कहाँ तैयार होता है, NJP होता है। और डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में ये कई बार पूछा गया है कि BTPN का BPC कहाँ से तैयार होता है, तो कहाँ से होता है, NJP से होता है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए कि प्रीमियम CC का जो रेक होता है उसका BPC तीन प्रकार से तैयार होता है। एक का वैलिडिटी होता है कितना, 4500 किलोमीटर या 20 डेज, दूसरा का होता है 6000 किलोमीटर या 30 डेज, तीसरा का होता है 7500 किलोमीटर या 35 डेज। चलते हैं आगे, आगे कहता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का जो ब्रेक पावर होता है, क्लोज सर्किट का जो ब्रेक पावर होता है कितना होता है, 100%। ठीक, ओरिजिनेटिंग मतलब जहाँ से गाड़ी खुल रही है वहाँ क्या होगा, 100% होगा। और इन रूट ब्रेक पावर क्या होता है, यानी कि रास्ते में 90%। ठीक है, तो क्लोज सर्किट के तहत ब्रेक पावर, ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर 100% और इन रूट ब्रेक पावर 90%। अब इन टू इंड BPC के बारे में देखते हैं। इन टू इंड BPC क्या कहता है, इन टू इंड में भी तीन प्रकार का BPC तैयार किया जाता है।
तो इन टू इंड का मतलब क्या, क्लोज सर्किट का मतलब क्या था कि मतलब यहाँ से घूमते घूमते आ रहा फिर यहीं पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ सामान उठाया फिर यहाँ अनलोडिंग किया फिर यहाँ से उठाया फिर यहाँ अनलोडिंग किया, यानी इसी तरह चल रहा, उसी को बोला जाता था क्लोज सर्किट। अब इन टू इंड क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पटना है, यहाँ पटना से कहाँ गया, दिल्ली गया, दिल्ली गया, तो इसका क्या होगा, बीपीसी की वैलिडिटी खत्म हो गया, यानी यहाँ से यहाँ गया इसका बीपीसी की वैलिडिटी खत्म हो गया। इसमें क्या होता था कि घूमते रहता था, ठीक है। तो पहला है इंटेंसिव इन टू इन, इंटेंसिव, इंटेंसिव का जो होता है बीपीसी जो तैयार किया जाता है अप टू डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ तक उस गाड़ी को जाना है वहाँ तक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इंटेंसिव इन टू इन मतलब कि यहाँ मान लीजिए पटना से शुरू हुआ, इसको दिल्ली जाना है, दिल्ली जैसे ही पहुँचेगा फिर इसका क्या होगा, वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है, वही कह रहा है। इंटेंसिव इन टू इन का बीपीसी की वैलिडिटी क्या होता है, अप टू डेस्टिनेशन होता है। इसका ब्रेक पावर कितना होता है, ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर 90% और इन रूट ब्रेक पावर 75%। किसका, इंटेंसिव का। इन टू इंड में भी अलग अलग प्रकार का है, लेकिन जो इंटेंसिव है उसका मतलब रास्ते में 75% ब्रेक पावर और शुरुआत में कम से कम 90% होना चाहिए और बीपीसी की वैलिडिटी अप टू डेस्टिनेशन होता है। चलते हैं, दूसरा है प्रीमियम सीसी, प्रीमियम इन टू इंड, सॉरी प्रीमियम इन टू इंड बीपीसी की वैलिडिटी कितना होता है, 12+3 यानी 12+3 डे। इंटेंसिव का कितना था, अप टू डेस्टिनेशन। प्रीमियम इन टू इंड का 12+3 यानी 12 दिन वैलिडिटी होता है और उसको 3 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रीमियम इन टू इंड बीपीसी की वैलिडिटी कितना होता है, टोटल 15 दिन होता है यानी 12+3 डेज यानी 12 डेज का होता है, +3 डेज एक्सटेंड किया जाता है। अब प्रीमियम का अगर ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर का बात किया जाए तो 95% होता है और इन रूट ब्रेक पावर का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो प्रीमियम में क्या क्या देखें, पहला तो देखिए प्रीमियम जो होता है प्रीमियम इन टू इंड, उसका बीपीसी की वैलिडिटी 12 डेज का होता है, 3 डेज उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। प्रीमियम का जो होता है ओरिजिनेटिंग ब्रेक पावर कितना होता है, 95% होना चाहिए और इन रूट ब्रेक पावर का कोई चर्चा नहीं है। इसके बाद आता है स्पेशल प्रीमियम का चर्चा, तो स्पेशल प्रीमियम भी इन टू इंड की तरह आता है, इसका बीपीसी की वैलिडिटी क्या होता है, 20+5 डेज। कितना होता है स्पेशल प्रीमियम का बीपीसी की वैलिडिटी, 20 दिन और 5 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। स्पेशल का, प्रीमियम का कितना था, 12 दिन प्लस 3 दिन एक्सटेंड किया जा सकता है और उसमें स्पेशल जैसे जुट गया तो क्या हो गया, उसका वैलिडिटी 20 डेज प्लस 5 डेज एक्सटेंड यानी टोटल 25 डेज। ब्रेक पावर 100% होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल प्रीमियम का ब्रेक पावर कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और स्पेशल प्रीमियम का बीपीसी कहाँ से इशू होता है, अगर एनएफआर का बात किया जाए तो एनजेपी से इशू होता है, ठीक है। तो स्पेशल प्रीमियम के बारे में क्या क्या देखें, पहला तो देखें कि स्पेशल प्रीमियम का बीपीसी का जो वैलिडिटी होता है 20 डेज का होता है प्लस 5 दिन उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक पावर 100% होना चाहिए स्पेशल प्रीमियम का। और स्पेशल प्रीमियम अगर एनएफआर का बात किया जाए तो एनएफआर में कहाँ से इशू होता है, एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी से होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और हमें आशा है कि समझ गए होंगे, अब मैं अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव डालूंगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।